इसके बाद सबसे आखिर में मैं हमारे बहन इंजीनियर राहिला मेवाती इनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ते नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों और मेरी बहनों जो थोड़ी सी दूर खड़ी हुई हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तकरीबन 9:30 बज रहे हैं रात के, ठंड भी लग रही है, और इतनी रात में अपनी बहन को अपनी बेटी को आप सुनने आए हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं अपने जावेद भाई और ये नाने गांव के भाई हैं, शाहरुख भाई हैं, इन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें आप लोगों से मिलाने के लिए न्योता दिया और मैं अपने भाइयों के बीच यहाँ तक पहुँच सकी। मैं तकरीबन मैं हरियाणा मेवात से हूँ और तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से, लेकिन सच बताऊं तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं अपनों से दूर हूँ। मुझे लग रहा है मैं अपनों में ही बैठी हूँ, अपनों के साथ हूँ। आप लोगों ने 3-4 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और इतनी बेशुमार प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, जिसके लिए मैं शायद ये कर्ज कभी नहीं निभा सकती। और मैं कोशिश करूंगी कि जितने अपने कौम के लिए जिस हद तक मैं काम कर सकती हूँ, अल्लाह जिस हद तक मुझे सलाहियत देगा, मैं अपनी कौम के लिए काम करती रहूंगी। और इंशाल्लाह आप दुआ करिएगा कि जो मैं गौर फिक्र लेकर चल रही हूँ इसमें मैं कामयाब हो जाऊं। जुबा देते हैं जिसको भी मेवाती, जुबा देते हैं जिसको भी मेवाती, निभा देते हैं मेवाती। जो कहते हैं मेवाती वो करके दिखा देते हैं मेवाती, जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं मेवाती। ये साबित हो चुका कि वतन के खातिर सर कटा देते हैं मेवाती, वतन के खातिर सर कटा देते हैं मेवाती, और अपने बुजुर्गों के हुकुम के लिए जान लड़ा देते हैं मेवाती, और अपने बुजुर्गों के लिए जान लड़ा देते हैं मेवाती। मैं उस मेव कौम की बेटी हूँ जिसने आजादी के लिए, अपने वतन की आजादी के लिए हजारों कुर्बानियां दी, लाखों शहादतें दी। वह ऐसी बहादुर कौम, जाबाज कौम की बेटी हूँ जिसमें राजा हसन खान जैसे राजा हुए, जिन्होंने हमेशा अपने वतन की खातिर लड़ाइयां ली। मैं ऐसे मेव कौम की बेटी हूँ जिससे मुगल डरे, जिससे तुर्क बादशाह डरे, जिससे अंग्रेज डरे। मैं ऐसे साहसी कौम की बेटी हूँ जिसने हमेशा जात पात को ना देखकर सिर्फ अपने वतन की खातिर अपने वतन भाइयों का साथ दिया, कभी वतन के साथ दगाबाजी नहीं करी। मैं ऐसी मेव कौम की बेटी हूँ जो दगाबाजी नहीं करते, ना दगाबाजी को पसंद करते हैं। मेरी मेव कौम इतनी बहादुर रही है कि ये मेव कौम ही थी जिन्होंने महान सिकंदर को नाकों चने चबवाए, मेरी मेव कौम ही थी जिन्होंने महान द्वारा को छठे का दूध याद दिलाया, मेरी महान मेव कौम ही थी जो ना कभी बाबर के सामने झुकी, ना कभी महमूद गजनवी के सामने झुकी, ना कभी अंग्रेजों के सामने झुकी, हमेशा अपने वतन की खातिर सभी को खदेड़ा और इस देश से भगाया। मैं उस मेव कौम की बेटी हूँ जिस कौम के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि मेव कौम देश की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी मतलब अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो शरीर किसी काबिल नहीं है। तो कुछ तो सोच के कहा होगा मेरी कौम के बारे में। तो मुझे फक्र है मैं इस मेव कौम की बेटी हूँ, मुझे फक्र है मैं मेवात की उस सरजमी से हूँ
जिस सरजमे से अल्लाह ताला ने हमसे नबियों वाला काम लिया, तबलीग वाला काम लिया, दीन का काम लिया। मैंने अपनी जो नई नस्ल है, जो जवान तबका है, हर कौम का जो जवान तबका है, उस कौम की तरक्की का रास्ता होता है। अगर वो जवान तबका सही रास्ते पे चले तो बेशक वो कौम तरक्की तक पहुंच सकती है। और जो अगर वो जवान तबका किसी वजह से बिगड़ जाए तो वो कौम तरक्की नहीं, बर्बादी की ओर चल देती है। इसी गौर और फिक्र को लेकर मैंने अपने इतिहास पर, अपने मेव कौम के इतिहास पर, अपनी मेव कौम की तारीख पर वीडियोस बनानी शुरू करी। और जिसमें अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का बहुत प्यार मान सम्मान मिला। और मेरी कोशिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो मेरी आने वाली नस्लों के लिए, जो हमारी आने वाली जो जवान तबका है, आने वाली नस्ल है, उनके लिए एक ऐसा आईना हो जिसमें वो अपने उन बुजुर्गों की उन तारीखी रिवायत को देख सके, उन तारीखी अंदाज को देख सके, उन चीजों को देख सके जिस बुनियाद पर आज ये मेव कौम जिंदा है। और हकीकत भी है कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल उस वक्त तक शानदार नहीं हो सकता जब तक कि उस कौम के आगे उस कौम के माजी का शानदार जो नक्शा है वो ना रखा जाए। तो इसी शानदार नक्शे को रखने के लिए मैंने वीडियोस बनाई, और उस शानदार नक्शे को पेश करने के लिए मैं मेवात से, हरियाणा मेवात से चलकर यहाँ तक आई। और मैं इस गौर फिक्र तक कर आई कि जो मेरे मेवाती भाई हैं, मेव कौम के भाई हैं, उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दें ताकि जो हमारे समस्याएं हैं हम इकट्ठे होकर उठाएं। क्योंकि अगर देखिए, हमारी तादाद तो बहुत है, मेव कौम की तादाद बहुत है, लेकिन वो गिनती में नहीं है अभी, क्योंकि हम सब किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं है। अगर हाथ खुला है तो उसकी वैल्यू नहीं है, और अगर ये हाथ मुट्ठी बंद हो जाए तो ये ताकतवर बन जाता है। अगर हम एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो अगर हमारी तादाद सामने आ जाती है तो हमारी ताकत बन जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों के सामने आई थी। और जो हमारी मेव कौम है, इसमें बेशुमार खूबियां हैं जो शायद ही किसी और कौम में पाई जाती हैं। जो मेहमान नवाजी का, जो दस्तरखान का हमारी मेव कौम को जो खूबी है, वो किसी और कौम में नहीं है। जितने सखावत हमारी कौम में है, किसी और कौम में नहीं है। जितनी दातार कौम हमारी है, उतनी कोई और कौम नहीं है। हमारी कौम में चाहे कोई कितना भी गरीब आदमी हो, अगर उसके दरवाजे पर कोई आ गया तो वो खाली हाथ नहीं जाता। हमारे आज भी देखिए, आप लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें सुनना चाह रही है मुझको, तो वो दूर खड़ी है। आज भी ये अदब व एहतराम, हया शर्म जिंदा है। तो ये हमारी बुनियादी चीजें हैं जिन पे हमारी कौम जिंदा है। हमारी कौम ऐसी वाहिद कौम है जहां एकता है और समानता है। समानता मतलब समझ गए, कोई किसी को अपने से ऊंचा या नीचा नहीं समझता, कोई ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है, कोई छुआछात नहीं है, सब एक बराबर हैं, सब भाई भाई हैं आपस में। और हमारी कौम ऐसी कौम है कि जो बेटियों को इस दुनिया में पैदा होने से रोकती नहीं है, उन्हें माँ की कोख में मारती नहीं है। तो फिर क्या ऐसी चीज हो रही है हमारे साथ कि इतनी सारी खूबियां हैं हम में, फिर भी हम पिछड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो जो हमारी पिछड़ने का कारण है वो एक ही है, हम तालीम याफ्ता नहीं है, हम में तालीम की कमी है।
और बहुत हैरत की बात है कि जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई थी उसका पहला अल्फाज इकरा था, मतलब पढ़ो। फिर भी हम पीछे हैं तालीम के मामले में, और तालीम तो ऐसी चीज है जो आपके किरदार को बताती है। तालीम आपको अपने आप से पहचान कराती है। तालीम ही है जो हमें अच्छे बुरे का फर्क बताती है, और तालीम ही है जो हमें खुदा की पहचान करवाती है। तो जिस कौम में तालीम का इतनी इम्पोर्टेंस बताई गई, वो कौम आज तालीम से बहुत पीछे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर एक वालिद कोई अच्छा काम कर सकता है, वो नेक काम है अपने बेटे को अच्छा तालीम याफ्त बनाना, अच्छी तालीम देना। तो हम किस रास्ते पे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कौम कहाँ जा रही है? और तारीख गवाह है, जिस कौम में तालीम नहीं है वो तरक्की की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकती। तालीम सिर्फ दुनियाई की बात नहीं कर रही मैं, दीनी और दुनियाई दोनों तालीम होंगी तभी हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। दीनी तालीम हमें हर बुराई से बचाएगी, हर गलत चीज से बचाएगी। अपने माँ बाप का, अपनी बहन भाई का एहतराम इज्जत करना बताएगी, और दुनियाई तालीम हमें दुनिया में तरक्की के रास्ते बताएगी। तो अगर हम इन दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम जो और कौमें हैं इस देश में उन सब से आगे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ दोगे इस चीज में। तो यहां मैं कहना चाहूंगी कि पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात, तो पढ़ेगा मेवाती तो अभी तो जोर ही नहीं आया कैसे पढ़ेगा मेवाती है, पढ़ेगा मेवाती तो मेरे बच्चे अभी पबजी खेलने वाले ही हैं, पढ़ने वाले नहीं बन रहे। मौलवी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जो आज हमें फोनों की सहूलियत मिली है तो उस चीज को हम सही तरीके से ला सकते हैं। अगर हमें फोन है तो ये पबजी खेलने के नहीं नहीं है, आप इसमें अच्छी चीजें ढूंढिए, सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपने जो सहूलियतें जो मिल रही है उन्हें सही इस्तेमाल कीजिए। आज जो फोन में सारी दुनिया है, हम किस तरह की दुनिया हम देखना चाह रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो बच्चों ये पबजी हो गई, फ्री फायर हो गए, और भी बहुत सारे गेम आ रहे हैं, तो इन्हें छोड़ो और अपने भविष्य की तरफ देखो, अपने बुजुर्गों को देखो कि उन्होंने किस तरह की कुर्बानियां दी हैं, तभी तो आज हम यहां पर हैं। बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी लेकिन उनकी नस्लों ने वो नस्ल जो है वो संभाल नहीं पाई, वो आज खत्म हो गई है। तो हमने खत्म नहीं होना, अपनी जो बुजुर्गों से जो विरासत मिली है, जो साहस की विरासत मिली है, उस विरासत को आगे लेकर चलना है। हमारे बुजुर्गों से हर कोई डरता था, हमारे बुजुर्गों के पर, हमारी मेव कौम पर कभी कोई भी राज नहीं कर पाया, ना कोई मुगल बादशाह राज कर पाया, ना कोई अंग्रेज राज कर पाया। हमेशा ये लड़ते रहे लेकिन अपने ऊपर कभी किसी को हावी नहीं होने दिया। और मेवाती में एक कहावत है, मेव मेवा है अगर बिगड़ जाए तो जान का लेवा है, समझ गए? अगर आप प्यार से उसे काम लेते हो तो वो आपको पूरा जान भी दे देगा, लेकिन अगर बिगड़ गया तो फिर अल्लाह ही उसका हो। तो हमें वैसे ही चलना जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, और आज हमें, लेकिन आज हमारे बुजुर्ग लड़े थे लाठियों से तीरों से, अब उनका जमाना नहीं है। आज हमें अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी लेकिन कलम से लड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये कलम की लड़ाई
अब शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए इस लड़ाई की वजह से, इस कलम की वजह से हम इतने पिछड़ गए कि हमें सबसे पिछड़ा कहा जाने लग गया। हमें जब हमारी बात होती है तो मैं भी तो है ऐसे कहते हैं ना, तो क्यों हम पीछे रहे? हमें गौरव होना चाहिए, हमें फक्र होना चाहिए, हम उस मेव फॉर्म से हैं जो हमेशा साहस के लिए मशहूर रही। तो हमें अपने ऊपर गर्व करना है, उसी गर्व के साथ आगे बढ़ना है। और मैं जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी माँ बहने हैं, सबसे गुजारिश करूँगी कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, तालीम की तरफ तवज्जो दें। यही एक रास्ता है जिससे हम तरक्की तक पहुंच सकते हैं। अगर हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो अपनी नई नस्लों को बचा लेंगे। और तालीम दोनों को जरूरी है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ लड़कों को जरूरी है, लड़कियों के लिए भी तालीम उतनी ही जरूरी है। अगर एक लड़का तालीम याफ्ता होता है तो सिर्फ अपने एक घर को संवारता है, और अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होती है तो दो खानदानों को संवारती है। सही बात है ना? और माँ जो होती है एक बच्चे का पहला मदरसा होती है। अगर जिस तरह की माँ की तालीमात होगी उसी तरह की अपनी बच्चों को बेटों को तरबियत देगी। और अगर हमारी जो कहते हैं ना फाउंडेशन बेस, अगर वहीं से हम ताकतवर हो गए, अच्छी बिल्डिंग कब बनेगी? जब उसकी फाउंडेशन मजबूत रहेगी। अगर माँ ने ही शुरुआत बच्चे की तरबियत अच्छी कर दी तो इंशाल्लाह उस बच्चे को कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो इसलिए मुझे मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, और इस तरह का माहौल बना दो अपने समाज में कि ना बेटियों को दिक्कत हो बाहर निकलने में, और ना कोई परेशानी हो, और ना ये कहने की जरूरत हो कि माहौल खराब है इसलिए हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने दे सकते। अपनी बेटियों को कहो अदब से बाहर निकलें, और उसके साथ अपने बेटों को भी समझाओ कि बेटो नजर नीची कर निकलो, वो भी तुम्हारी बहने हैं, वो भी तुम्हारी अपनी हैं, उनकी तरफ गलत निगाहों से ना देखो। ये हमारा फर्ज बनता है। और सिर्फ तालीम और माहौल देने की बात है, हमारे बच्चे बहुत हुनरमंद हैं, बहुत हुनरमंद। हमारी जो मेवात की बहनें हैं अब तक अनपढ़ हैं, लेकिन उनमें जो कलाकारियां हैं, जो दिमाग है, जो जहन है, औरों से कहीं बेहतर है। एक छोटा सा शेर कहती हूं, रंग बिरंगा बीज ना जची चंगेरी खूब, रंग बिरंगा बीज ना जची चंगेरी खूब, ये उन हाथन की कला हां जिनने सदा खो दी दू, ये उन हाथन की कला हां जिनने सदा खो दी दू। मतलब शायद जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो इन चीजों को जानते होंगे, चंगेरी है, दलिया है, बीजना क्या होता है। तो हमारी माँ बहने इतने अच्छे अच्छे डिजाइन की चंगेरियां बीजना बनाती थी कि उनमें देखते ही बनता था, और वो दिन भर बेचारी खेतों में काम करती थी, धूप मतलब घास खोदती थी, फिर भी उनमें इतनी नॉलेज थी, इतना टैलेंट था, कितनी बेहतरीन कलाकारियां बनाती थी। तो अपने में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ एक माहौल की कमी है, और ये माहौल हमें देना पड़ेगा। इंशाल्लाह देंगे ये माहौल, पढ़ाओगे बच्चों को। और एक चार पांच दिन से मैं एक बहुत अच्छी चीज देख रही हूँ अपने यहाँ पर, इज्तिमाई शादियां जो होती हैं, जिसे आप लोग सम्मेलन कहते हो, बहुत खूबसूरत चीज लगी। और इंशाल्लाह ये पैगाम, ये जो अपनी खूबसूरती है आपकी, ये मैं आप लोगों से लेके जाऊंगी, और अपने मेवात में इंशाल्लाह कोशिश करूंगी एक ही इस तरह की सामूहिक विवाह सम्मेलन इज्तिमाई शादियां हमारे भी हों। बहुत अच्छी चीज़ है कि एक वालिद के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बेटी की शादी की होती है। बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी के लिए कमा कमा कर, और अगर उस बेटी की शादी में कमी हो जाए ना तो बाप को बड़ी तकलीफ होती है।
और ये आपका जो कंसेप्ट चलाया आपने इज्तिमाई शादियों का, बेहद खूबसूरत है और उस बाप के लिए भी बहुत अच्छा है जिसके कंधों पे बहुत वजन है। तो इसके लिए तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की एक बहुत खूबसूरत चीज लगाई, जिसके लिए आपको लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ इस चीज का। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो मैंने इंजीनियरिंग करी थी। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे एक अमेरिकन कंपनी में जॉब मिल गई जो अच्छे खासे मुझे लाखों में सैलरी दे रहे थे, लेकिन दिल में टीस थी कि जिस कॉम से मैं हूँ अगर मैं इस तरह की कंपनी में काम करती हूँ तो ये मेरा ज़ाती फायदा होगा, सिर्फ मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगी। मुझे ऐसा काम करना है जिससे मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को सुधार सकूं। तो मैंने एक मेवात के बीचे बीच कॉलेज में नौकरी ली और वहां अल्लाह का शुक्र है आज बहुत सारे बच्चों को मैंने तालीम याफ्ता बनाया और बहुत सारी लड़का और लड़कियां वहां से तालीम याफ्ता होकर निकले। आज भी पढ़ाई की, अगर कोई कहता है तो पढ़ाई की कोई उम्र होती है, तो आज तक भी मैं पढ़ रही हूँ, आज भी मैं PhD कर रही हूँ। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैंने शादी के बाद इंजीनियरिंग शादी से पहले करी और शादी के बाद मैंने MTech और आज मैं PhD, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं और आज भी मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें अपने को शर्म की कोई बात नहीं है। जितना हम इल्म हासिल कर सकते हैं ना, उतना करना चाहिए, और जितना हम इल्म हासिल कर लेंगे उतना ही अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। अगर मैं इल्म हासिल नहीं करती, अगर मैं तालीम या हासिल नहीं करती, तो शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ी होती। ये तालीम ही है जिसकी वजह से आप मुझे इतनी इज्जत भरी नजरों से देख रहे हैं, जो इतने इस्तकबाल आप लोग मेरा कर रहे हैं, जो इतने दिल की गहराइयों से मुझे प्यार कर रहे हैं, ये मेरी तालीमात ही है, ये मेरी माँ की तरबियत ही है कि जो मैं इतना पढ़ने के बाद भी आज बाअदब घूमती हूँ। ये मेरे वालिद साहब के जज्बात ही थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और ये मेरे शौहर का साथ ही है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ हरियाणा मेवात से महाराष्ट्र के मेवात तक पहुँची, तकरीबन 1200 मील का सफ़र मैं तय कर सकी। अकेले लिए मेरे लिए मुमकिन नहीं था, तो मेरे शौहर का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कभी मुझे अपने कौम के काम करने के लिए नहीं रोकते, हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरी ताकत बनकर खड़े होते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी बीमारी से वो मुब्तिला है, लेकिन कभी भी मुझे उस बीमारी की वजह से मेरा सामने पत्थर नहीं बने, हमेशा मेरा सहारा बने। तो ऐसे ही जज्बात आप सब लोग रखोगे तो इंशाल्लाह ये कौम बहुत आगे तक जाएगी। और मैं ये चाहती हूँ कि जो ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस गांव में काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं, जैसे मुझे पता चला है, फार्मासिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो जो और बच्चे हैं इस गांव के, उन्हें भी तालीम के लिए मोटिवेट करें, उन्हें उत्साहित करें और उनके गाइडेंस के तौर पर काम करें कि किस तरह तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। उनका हाथ पकड़कर थाम ले जहां वो रुकते हैं ना, जहां वो ड्रॉप आउट करने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ थामे और उन्हें कहें नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है। और जब अपने परिवार में एक बच्चा पढ़ जाता है ना, तो एक हिरस लग जाती है कि वो ऐसा है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो मैं ये हिरस लगाने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ कि एक राहिला इन हजारों लोगों के सामने अपनी बात रख सकती है, तो और राहिला क्यों पैदा नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह हमारे बीच में से ऐसी बहुत सारी राहिलाएं निकलेंगी, बहुत सारे भाई निकलेंगे जो अपनी बातों को हजारों नहीं लाखों की करोड़ों की तादाद में आगे रखेंगे और अपनी कौम को वो उन बुलंदियों तक ले जाएंगे जिसकी वो काबिल है, जिसका वो चाहती है, जहां तक हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। एक हमारे यहाँ पे एक बैकवर्ड क्लास का एक मुद्दा चल रहा है, काफी दिनों से पेंडिंग में है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर प्रयास करेंगे
और एक चीज और है, मैंने यहाँ पर आके एक अलग चीज देखी, वो है इरफान पठान हो गया, कहीं इरफान पटेल हो गया, क्यों हम मेव नहीं है? हमें क्यों जरूरत पड़ रही है पटेल पठान बनने की? हम तो मेव हैं, और मेव तो अपने आप में बहुत फक्र करने की चीज है। हमारे जो पुरख हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, वो तो रियासतों में राजा रहे हैं, तो हमें किस बात का पटेल पठान लगाने की जरूरत है? और जब हम कागजों की बात करते हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि पटेल पठान ना लगाएं, सिर्फ मेव लगाएं, मेवाती भी ना लगाएं, क्योंकि अगर जो रिजर्वेशन है सिर्फ मेव कास्ट के लिए है, मेवाती कोई जाति नहीं है, मेव जाति है, सिर्फ मेव। अब कई जगह मैंने देखा है कि जो अपने नए बच्चे हैं उनकी जो टीसी है उन पे मेवाती लिखा हुआ है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जो मेव और मेवाती तीन चीजों में फिर तकरार हो जाएगी। तो इसलिए अपने कास्ट में सिर्फ मेव लिखो, ठीक है, मेवाती ना लिखो। मेवाती तो हर एक उस इंसान को कहा जाता है जो मेवात में रहता है, चाहे वो मेव हो, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, जो मेवात का बाशिंदा है वो मेवाती है, वो मेवाती है, मेव नहीं है। तो मेवाती तो उस इलाके में रहने वाले को कहते हैं, मेव कोई, मेवाती कोई जाति नहीं है, हमारी जाति मेव है। तो बड़ा मेहरबानी सब मेव लिखें, ताकि जो ये बैकवर्ड क्लास की जो लड़ाई है उसे हम और अच्छे तरीके से लड़ सकें। और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, ताकि जो हमारी लड़ाइयां हैं हम खुद लड़ सकें। हम अपने घर में क्यों नहीं लॉयर बनाते, ताकि हमें पता चले कि हमारे, अगर हमारे लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते तो हमारी लड़ाइयां आसान हो जाती। तो मैं चाहती हूँ अपनी लड़ाइयां हम आसान करें और हमारी कौम में खुद के बच्चे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने। और मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो इतनी रात में भी आप इस कदर सुन रहे हो, कितने प्यार से आप लोग बैठे हैं, इसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और महाराष्ट्र के मेवात का शायद बड़े गांवों में, ये अपना गांव है कुंजखेड़ा, तो ये आपकी बहुत काबिले तारीफ की चीज है कि इतने रात के 10 बज रहे हैं और फिर भी आप लोग इतनी शांति से अपनी बहन की बात सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ आपका। एक चीज और, अपनी लड़कियों को तो खासतौर पर पढ़ा दो भाई, क्योंकि अगर जब हम हमारी माँ बहने बीमार होती है ना, तो हमारी सबसे पहले ख्वाहिश होती है कि ऐसी जगह लेकर जाए जहां उन्हें लेडी डॉक्टर देखे, औरतें देखे, और हम अपनी कौम में अपने बेटियों को पढ़ाने दें। जब हमारी कौम पढ़ेगी नहीं, हमारी लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, तो हमारी डॉक्टरें कैसे बनेंगी? हम स्कूल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां कितनी लेडी टीचर्स हैं, देखते हैं ना, तो वो लेडी टीचरें कहां से आएंगी? हमसे ही तो आएंगी, जब हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो तभी आएंगी वो। तो अपनी कौम पर फक्र करिए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं और एकजुट होकर रहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ाई लड़ें, और इंशाल्लाह हम हर चीज में कामयाब होंगे। तो इतनी साहसी हमारी कौम है, इतनी बुलंदियों तक हमारी कौम ने हमें ले जाया, तो उसके लिए एक नारा तो बनता है, जय मेव, जय मेवाती, जय मेव, जय मेव, जय मेवाती। अभी भी मेरे बुजुर्गों की आवाज बुलंद है और अभी भी नौजवान नस्ल पबजी में शायद बिजी हो रही है, है? जय मेव, जय मेव। पर इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया। माफ कीजिए, एक बात और याद आ गई। आप लोग जैसे अपने नाने गांव के 14-15 लोग मेवात गए थे, तो उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अपने उस जमीन को देखा जहां उनके पुरख रहे थे, जहां का उनका, जहां उनके पुरखों की पैदाइश थी,
तो मैं आप लोगों को भी न्योता देती हूँ कि वहां आइए, अपने पुरखों की, अपने साहसी बुजुर्गों की उन तारीखी चीजों को देखिए जो वो हमारे लिए विरासत में छोड़ के गए हैं। उनको अपनी नस्लों से रूबरू कराइए जो हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए जो हमारे फक्र का, फक्र की बातें हैं, उन इतिहासों को अपने बच्चों को दिखाइए। और मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करूंगी कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ये नए लोग, जो नए तबके के लोग हैं, जो अपने पबजी वाले लोग हैं, पबजी ना देखें, पबजी ना खेलें, अपने पुरखों के इतिहास को देखें और मेरी मदद करें आगे अपने इतिहास को और आगे लाने के लिए, अपने नए लोगों के सामने रखने के लिए उसको देखें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने जावेद भाई की, उन्होंने इतनी तरतीब से मेरे प्रोग्राम बनाए हैं कि मैं कम समय में बहुत सारे लोगों से रूबरू हो पा रही हूँ। जब मैं आई तो 10 दिन का समय लेकर आई थी, हरियाणा से जब चली तो मैं 10 दिन का समय लेकर चली। मुझे लगा ये 10 दिन ज़्यादा हो गए, पता नहीं वहाँ पे कैसा रहेगा, मैं शायद 10 दिन मैंने गलत कर लिया, एक दो दिन के लिए मुझे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ आकर पता लग रहा है कि वो 10 दिन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि शायद वो बहुत कम है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे, मुझे लग रहा मैं आज ही आई हूँ और अपने भाइयों से आज ही मिली हूँ। तो आपके बेपनाह प्यार है, बेपनाह मोहब्बत है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।